हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अडवाणी। सो यार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की। सो गाइस, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इस तरह की काफ़ी वीडियोस मिलने वाली है। सो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की इन्फोसिस की तरफ से। सो इन्फोसिस की टीम ने डिसाइड कर दिया है कि जो इन्फोसिस में प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बैचेस में डिवाइड किया जाए एंड देन उनके ऑफर लेटर को उनको रिलीज किया जाए। सो गाइस, ये थी बात लेटेस्ट अपडेट की। अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग प्रोसेस की। सो बेसिकली आपका वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होती है, जिसको कि हम इंडक्शन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो कि 3 डेज का होता है इन्फोसिस में। एंड इन 3 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। सो बात करते हैं कि इन 3 दिन के अंदर आपका होने क्या वाला है आपके साथ, या आप क्या करने वाले हो। सो गाइस, बेसिकली आपको कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है एंड देन फर्दर ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये किस तरह कंडक्ट होने वाला है आपको वो सारी चीज़ें बताई जाती है। एंड उसके साथ साथ आपको जनरली, मतलब जितनी भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी इन 3 दिन के अंदर ही करनी पड़ सकती है। एंड गाइज, ये कंप्लीट वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना कंडीशन, ये वर्क फ्रॉम होम, यानी कि फ्रॉम होम ही होने वाली है ये ऑनबोर्डिंग। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस वर्चुअल ऑनबोर्डिंग। उसके बाद जैसे ही आपका ये इंडक्शन प्रोग्राम पूरा होता है, आपकी एम्प्लॉई आईडी जनरेट हो जाती है। एंड जैसे ही आपकी एम्प्लॉई आईडी जनरेट हो जाती है, उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। सो ये थी बात हमने की ट्रेनिंग प्रोसेस की। अब बात करते हैं कि हैप्पी न्यूज़ क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। सो गाइज, यू विल बी गेटिंग स्टाइफंड फॉर दिस ट्रेनिंग पीरियड। एंड जनरली जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो इन्फोसिस का 4 से 6 मंथ्स का होता है। एंड एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग, योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी रही है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ग्रेट रही है, तो आपकी जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो मिनिमम होता है, मतलब कि आपकी 4 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद आप फुल टाइम हो जाते हैं। फुल टाइम तो ऑब्वियसली आप पहले भी थे, बट आपकी जो सैलरी हो जाती है वो सैलरी फुल टाइम की हो जाती है। उसके बाद गाइज, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है इस ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि कंपनी एनालाइज कर लेती है, आपका जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर होता है वो आपको आपकी लाइक परफॉर्मेंस को बता सकता है एचआर को कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ट्रेनिंग को, वेदर द ट्रेनिंग नीड टू बी एक्सटेंड और नोट। सो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपकी ट्रेनिंग टाइम है वो मिनिमल होता है, एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो आपका मिनिमम 6 मंथ्स का तो टाइम होता ही आपका ट्रेनिंग का, बट वो एक्सटेंड भी हो सकता है। सो गाइज, ये थी सारी डिटेल इन्फोसिस के वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। एंड गाइज, मैंने अपनी मतलब पूरी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, एंड होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की काफ़ी वीडियोस लेके आऊँ एंड डिफरेंट कंपनीज के ऊपर इस तरह की वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद अडवाणी।